फाइनली आज आई है मेरे पास RC 200। तो रात आई थी ये गाड़ी, कहीं खड़ी थी, किसी ने कई सारी इसकी तारें यहाँ से खींच रखी थी और ये टेम्परेचर की तारें भी खींच रखी थी। ये तो अभी मैंने लगा दी है, इंडिकेटर तोड़ रखे थे। और तो फिलहाल अभी दिक्कत क्या आ रही है इसमें, गाड़ी की हेडलाइटें दोनों ऑन नहीं हो रही हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार स्टार्ट करना। तो दोनों हेडलाइटें ऑन नहीं आ रही, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं हेडलाइट ऑन कर रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, तो इसकी हेडलाइटें ऑन नहीं हो रही हैं। तो मैंने अभी काफ़ी चीज़ें इसकी चेंज करके देखी, रिले भी देखी, फ्यूज़ देखे, और इसका जो हेडलाइट का यूनिट रहता है वो भी देखा। यहाँ रखा है साइड में, यहाँ लगा रहता है वो, ये रहा इसका यूनिट, ये लगा के देखा मैंने हेडलाइट का यूनिट, पर उससे भी कुछ नहीं हो पाया। तो बहुत देखने के बाद अभी एक ये वायर मिली है यहाँ पे, किसी ने यहाँ से वायर खींची होगी तो ये कपलर निकले हैं इसके। तो फाइनली एक बार इसके कपलर लगाते हैं, फिर देखते हैं इसकी हेडलाइट ऑन होती है नहीं होती है। तो गाइस फाइनली अभी इसका ये कपलर मैंने लगा दिया है, तो चलते हैं एक बार देखते हैं स्टार्ट करके इसकी हेडलाइट ऑन होती है नहीं होती है। एक बार स्टार्ट करना भैया, बटन ऑन कर दे रहे हैं। फाइनली आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट ऑन हो गई है। एक बार लो बीम हाई बीम चेक कर लेते हैं, एक बल्ब नीचे है इसका ये। तो गाइस फाइनली इसके हेडलाइट ऑन हो गई है, बंद कर दो गाड़ी। तो ऐसा कभी होता है तो इस कंडीशन में एक बार इस कपलर को ज़रूर चेक कर लें। मैं भी काफ़ी देर से परेशान था, रिले देखी, फ्यूज़ देखे, हेडलाइट कंट्रोल यूनिट देखा, सब देखने के बाद भी बहुत परेशान होने के बाद लास्ट में देखा तो एक कपलर निकला था। तो इसको सबसे पहले एक बार देख लें आप, कभी भी हेडलाइट की दिक्कत आती है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।